जितनी निंदा करें उतनी कम है। और जिस तरह से एक बहन के साथ में इस तरह से बलात्कार करके और उसको जलाने की कोशिश करके और उसको मार दिया गया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे दुष्टि का तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये दुखी परिवार है पूरा, हम उनके साथ हैं। और इस तरह से एक मुस्लिम जो है, नाम उसका मैं नहीं जानता, दिमाग से निकल गया है, लेकिन उसने जिस तरह से, ये एक घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसे जो लव जिहाद की घटनाएं प्रतिदिन जो हो रही है और उसी का ये एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि उन्होंने रात को आकर बलात्कार किया और दिन में बलात्कार किया और उसके बाद में उसको जलाया गया और उसकी बहन की उसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसी घटनाएं प्रदेश भर में होकर ये स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार है वो बिल्कुल ही निरंकुश सरकार हो चुकी है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुले आम घूम रहे हैं और प्रतिदिन ऐसी घटना होने की वजह से ये सरकार और पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से उस परिवार को दबाया गया। डिप्टी के द्वारा जाकर जिस तरह से पीड़ित परिवार को दबाया गया, उन्होंने उस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न करके और पीड़ित परिवार को ये कहा गया कि तुम ये गलत कर रहे हो और इसके साथ तुम गलत बता रहे हो। और आज वो जब उसने खुद महिला ने उसने बयान दिए कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है और उसके बावजूद भी इस तरह से पुलिस प्रशासन कर रही है। मैं सोचता हूँ कि इस राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है और यहाँ पर क्राइम के अंदर भी एक नंबर पे है और जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, पुलिस की शह के बगैर या सरकार के शह के बगैर ये संभव नहीं हो सकता। हमें पूरा इसका दुख है। ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि इस राजस्थान के अंदर जिस तरह से हो चुकी है, अशोक जी गहलोत जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इंसान हैं और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाएं किसी भी प्रकार से, वरना ये लोग खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से देश के प्रदेश के अंदर एक तरह से जंगल राज बन चुका है। परिजनों की मांग है कि उन्होंने, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे आने के बाद उन्होंने मुझे जिस तरह से कहा गया कि यहाँ पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की उन्होंने मांग की है, एक सरकारी नौकरी की भी उन्होंने मांग की है और निश्चित रूप से उनका मांग भी पूरी हो, लेकिन सबसे बड़ा उनको न्याय मिले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। एक तो उसको सजा हो, फांसी की सजा हो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जिन अधिकारियों ने उनको दबाने की कोशिश की है, जिस अधिकारी ने पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश की है, पालोत्रा का सीआई, उसने भी वहां पर लोग गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। ऐसे पचपदरा का जो डिप्टी है उसने इस परिवार को दबाने की कोशिश की, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित भी करना चाहिए कि, और इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से इनके परिवारों की जो मांग है वो मांग भी पूरी हो और ऐसी लव जिहाद जैसी घटनाओं के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश की जनता को बचाओ। आपकी सरकार तो बचती रहेगी लेकिन जनता को इस तरह से एक भगवान भरोसे छोड़ दिया इस राजस्थान की जनता को।